चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सेकंड्स आफ्टर प्रोजेक्शन अ प्रोजेक्टाइल इज ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, 1 more second इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी आर। देखो सबसे पहले होता क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको थ्रो किया गया, ऐसे गया, ठीक है। जब ये थ्रो किया गया था उस वक्त से 2 सेकंड के बाद ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। तो जिस वक्त ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया था, वेलोसिटी हम यू कंसिडर कर ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, और एंगल हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये भी नहीं दिया है। लेकिन 2 सेकंड के बाद आफ्टर टू सेकंड जब ये बी पे पहुंचा, उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं वी, ये भी नहीं दिया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, 2 सेकंड के बाद। अब 1 सेकंड के और बाद ये हॉरिजॉन्टल हो गया, बोला है ना ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, 1 more second इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, करेक्ट। अच्छा अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर कितनी होंगी, जब ये थ्रो किया गया था उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी और वो उसका डायरेक्शन कितना था हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से ये पॉइंट सी कंसिडर कर लेते हैं, बी से सी तक का टाइम जो है, पहले ये लिख लेते हैं, ए से बी तक का टाइम है 2 सेकंड और बी से सी तक का टाइम लगा 1 सेकंड, ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी यू है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज नहीं होना है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, यू कॉस थीटा यहाँ होगा, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा होगा। अच्छा यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पर v cos 30 डिग्री यहाँ होगा, यहाँ v sin 30 डिग्री होगा, करेक्ट है। तो सबसे पहले a टू b की बात करते हैं, a टू b की बात कर लेते हैं, a टू b की बात करें और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, तो u cos थीटा इज इक्वल टू v cos 30 डिग्री के इक्वल होना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। अच्छा अब ए से सी की बात करते हैं, ए से सी की बात इधर कर लेते हैं, ए टू सी की बात करते हैं, और इसमें कहते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट सी पे खत्म हो गया, फाइनल वेलोसिटी खत्म हो गई वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी का इस्तेमाल करूं, ठीक है ना, ए वाई का इस्तेमाल करूं, तो वाई वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी सी पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos u sin थीटा, u sin थीटा, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव। अब g कहाँ लग रहा है, ay मतलब एक्सेलेरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्या है g का डायरेक्शन नीचे है ना, g का डायरेक्शन नीचे है, तो माइनस g होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ये माइनस g इंटू a से c तक का टाइम कितना लगा, a से c तक का टाइम टोटल 3 सेकेंड लगा ना, a टू c का 3 सेकेंड होगा, तो ये 3 सेकंड लगा, तो u sin थीटा इज इक्वल टू 3g हो गया, u sin थीटा इज इक्वल टू 3g, करेक्ट है। अब a से b की बात करते हैं, ये सेम फॉर्मूला हम a से b के लिए अप्लाई करते हैं, इधर लेफ्ट साइड में u y प्लस a y t, v y की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v sin 30 डिग्री, v sin 30 डिग्री, u y कितना होगा, u sin थीटा, ए वाई कितना है माइनस जी, टी की वैल्यू 2 सेकंड, ए से बी तक का 2 सेकंड लगा, ठीक है। यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3g माइनस 2g इज इक्वल टू जी, किसकी वैल्यू है, यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू जी है, जी मीन्स 10, जी मीन्स 10, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 2 प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, वी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गई, करेक्ट है। अब ये वैल्यू यू तो v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड आप यहां रख दो, कितना आ जाएगा, देखो जरा इस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos 30 डिग्री, तो u cos थीटा इज इक्वल टू v की वैल्यू अभी आई है 20 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, ये 10 गया, ठीक है। अब ये हो गया, इट मीन्स u cos, इधर ही देते हैं, इधर ना लिखे, u cos थीटा इज इक्वल टू 10√3, और u sin थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 3g, g का मतलब 10 कर दो, तो u sin थीटा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा ना,
तो ये 30 हो गया। तो u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा को डिवाइड कर दो, ये कॉस है, डिवाइड कर दो, तो 30 अपॉन 10 रूट 3, 0 कटा, 3 बाई रूट 3, यू से u कटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 3 बाई रूट 3 का मतलब क्या हुआ, 3 बाई रूट 3 मतलब रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 आ जाएगा, 1060 आ गया, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यानी ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो 60 डिग्री एंगल हो, एंगल से थ्रो किया जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के, और फाइनल वी वेलोसिटी जो है, वी की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। वी कहाँ की वेलोसिटी है, यहाँ की वेलोसिटी, किस पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहा है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी, यू की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो यू की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कैसे निकल जाएगी, यू कहाँ से निकाल लिया जाए, हाँ थीटा की वैल्यू 60 यहाँ रख दो, u into sin 60 is equal to 30 used to root 3 by 2 is equal to 30 u is equal to ये हो जाएगा 60 by root 3 कितना होगा, 60 by root 3 कितना आना चाहिए, 60 by root 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 20 root 3 आएगा, 20 root 3 कहीं आ रहा है, 20 root 3 ये आ रहा है, और एंगल 60 डिग्री ये आएगा, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।